हमारे साथ यूथ मौजूद है जो पहली बार जिन्होंने वोट किया है, पहले तो अपना नाम बताइए। शुभी वाजपेयी। शुभी जी, क्या लग रहा है, पहली बार आपने वोट किया, कैसा फील आया? वेरी नाइस, वोटेड फॉर अ चेंज, कुछ अलग होगा, वोट मैटर्स, दैट्स व्हाई वोट। लोग कहते हैं कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत नेगेटिविटी को, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देती है, एज अ यूथ आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स, आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, आपका अपना वर्जन क्या है? हमें तो लगता है कि एज मच एज जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बिगेस्ट इशू फॉर नाउ, बस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? साक्षी। आपने भी फर्स्ट टाइम किया? जी। क्या लग रहा है आपको, कैसा मतलब फील हुआ, और जैसा कि अभी शुभी ने बताया, आपका क्या फील है एज अ यूथ? अच्छा फील हुआ, और मुझे लगता है मैंने इसलिए वोट किया, ये देख के वोट किया कि कोई ऐसा हो जो हमारे बीच में प्रेजेंट हो, यूथ के लिए काम करे और डेमोक्रेसी को बचाए। क्या लगता है आपको कि कानपुर की अगर बात करें तो इस बार का चुनाव काफ़ी टक्कर का देखा जा रहा है, सुशील क्या कहेंगे? जी, इस बार काफ़ी टक्कर का चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और इस बार जनता ने मन बना लिया अपना वोट डेमोक्रेसी को बचाने के लिए देने के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ इस बार वोट करने के लिए जनता ने अपना मन बना लिया है। तो इस बार उम्मीद है कि कानपुर में बदलाव की, एक परिवर्तन की एक लहर आएगी। अब वही सवाल जो मैंने अभी शुरू से किया था, एज अ यूथ आपको क्या लगता है, नेगेटिविटी हावी हो गई आज की पॉलिटिक्स में? जी बिल्कुल, अब आजकल यूथ में, हमारे दोस्तों यारों में इन मुद्दों पे लड़ाई हो जाती है कि भाजपा आगे की कांग्रेस आगे, ये सब एक हेल्दी वे में होना चाहिए था, जो ऐसे पहले होता है, नेताओं में आपस में एक दूसरे को लेके इज्जत थी, सम्मान था, जो कि अब नहीं है। कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति है वो काफ़ी निचले स्तर पर तो पहुँची गई है। हम लोग का काम है एज अ यूथ कि इसको अब हम लोग यहाँ से बदलाव की तरफ ले जाएं, और वापस उसी सुनहरे पल की तरफ वापस जाएं जहाँ पे हम लोग को एक अच्छी तरीके की राजनीति देखने को मिलती थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत करी। एज अ यूथ आपने देखा कि यूथ क्या सोच रहा है आज की डेट में, और जाहिर सी बात है जो निगेटिविटी आज की राजनीति में हावी है उसका सबसे बड़ा और सीधा प्रभाव अगर किसी पर पड़ता है तो वो हमारे देश का युवा ही है। हम युवा वर्ग से ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, और महकम ना हो कभी भी आपकी देशभक्ति की, देशभक्ति ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, कानपुर।